हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोटो एडिटिंग के बारे में। दोस्तों, नया साल आ रहा है, नए साल के लिए आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए डीपी बना सकते हैं, यानी वॉलपेपर बना सकते हैं 2020 का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज को मैंने अपने मोबाइल से एडिट किया है। आप भी इस तरह से अपने मोबाइल से इस तरह का फोटो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इस तरह से फोटो शूट करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ जरूरत होगी, जैसे इस वॉलपेपर की जरूरत होगी, इस इमेज की जरूरत होगी, इस इमेज की जरूरत होगी और इस इमेज की जरूरत होगी। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इन सभी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। तो दोस्तों, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने इस बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, अभी इस फोटो का हमें बैकग्राउंड निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कट आउट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपके फोटो का बैकग्राउंड निकाल देगा। दोस्तों, इसके लिए आपका इंटरनेट चालू होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, बस यहाँ पर आपको सेव करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फोटो का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक निकल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सेट करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं फास्ट बना रहा हूँ, आपको स्लो बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको 2019 का यहाँ पर इमेज लेना है और इसको आपको कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। दोस्तों, ये PNG फाइल है, मैंने वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इन सभी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ पर नया साल मुबारक हो इस इमेज को यहाँ पर आपको लेना है और इस इमेज को यहाँ पर आपको सेट कर देना है। फिर दोस्तों, वापस आपको इमेज में जाना है, यहाँ पर मैंने मराठी में लिखा है तो इसको आपको लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2019 बता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और 2019 को कट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। तो दोस्तों, इसको आपको छोटा करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का नाम है वॉलपेपर पे, तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसे काटना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है, क्रॉप में जाना है और यहाँ से आपको इसे काट देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पिक्स आर्ट की मदद से नया साल का 2020 वाला एक इमेज बनाया है, वो भी आप अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी इसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों, आप इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।